नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में कविता नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतों, उनका अभ्यास करेंगे। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और इस कविता का प्रकार है संघ गान। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1 दिसंबर 1916 रोहता, आगरा, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रसिद्ध है। क्या क्या दिया गया है उसने? 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह और अन्य भी साहित्य उनके प्रसिद्ध हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह सब उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। अब हम काव्य के प्रकार को देखते हैं तो उनका प्रकार है संघ गान। संघ गान यानी कि पूरे संघ को साथ में रहकर जिसका हम गान करते हैं उन्हें संघ गान कहा जाता है। यानी कि समूह में सब एक साथ इकट्ठे होकर जब कोई गान किया जाता है उसे संघ गान कहा जाता है। सबसे पहले तो बच्चों हमें यह जो कविता है वह कविता हमें किस समय मिली है, प्राप्त हुई है और किसी वजह से इस कविता का निर्माण हुआ है यह हम सबसे पहले देखते हैं कि यह जो कविता कवि ने हमें यहाँ पर दी है वह कविता आज़ादी, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में यह कविता बनाई गई है। हमारे देश में पहले
कोई भी हमारे जीवन में, हमारे देश में कोई कोई भी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं थी। सब सदियों से, यानी कि हमारा भारत देश जो है वह सदियों से, सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। यह सब हम सब जानते हैं कि जब हमारा भारत देश गुलामी में बीतता था, यानी कि गुलामी में जीता था, तब हमारे देश की कैसी परिस्थितियाँ थी, यह सब बात से हम सब लोग परिचित हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय हमारे भारत देश में कितनी गुलामी हमें सहनी पड़ी थी। भारत देश गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हो गई। गुलामी की वजह से भारत देश बहुत बर्बाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश सत्ता की गुलामी में से हमें मुक्ति हुई। अपने गुजराती में पण ए सांभळीए छे बाळको के आपणो भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 ना दिवसे शुं थयो हतो, आजाद थयो हतो। तो यह बात हम पहले से हैं जानते आए हैं, पर यहाँ पर कवि ने इसलिए उसका परिचय दिया है। क्यों? क्योंकि यह जो कविता दी गई है, यह कविता में कवि ने देश का नव निर्माण करना है, देश के नव निर्माण कार्य के लिए यह कविता की रचना की गई है। इसलिए यहाँ पर आज़ादी की बात बताई गई है कि हमारा भारत देश जब ब्रिटिश सत्ता की गुलामी में से गुजर रहा था, बाद में हमें मुक्ति मिली, यानी कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उस समय की रचना है। यह कविता हमारा भारत देश आज़ाद हुआ बाद यह कविता की रचना तब से हुई है कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी के बाद हमारे देश के लिए हमें कुछ नया करना है, हमारे जीवन में हमारे देश के लिए हमें कुछ प्राप्त करना है, हमें देश को कुछ स्थान देना है, देश के नवनिर्माण के लिए हमें अलग अलग कार्य करने हैं, हमें देश के लिए जी जान से मेहनत करके हमारा देश एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ देश बने, उसका निर्माण अच्छी तरह से, हमारा भारत देश का एक अनोखा नाम बने, ऐसे निर्माण हमारे भारत देश के लिए हमें करना है। उस समय की रचना यह कविता है कि जब हमें आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद की यह कवि ने कविता बनाई थी कि अब हमें हमारे देश के लिए नव निर्माण क्या करना है, यानी कि भारत देश के लिए हमें क्या करना है। यही बात इस कविता में बताई है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा गया है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने गान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया गया है। नवनिर्माण करना यानी कि नया निर्माण करा। भारत देश जब आज़ाद नहीं था, तब
तब कैसा था, अब हमें आज़ादी मिल गई है तो आज़ादी के बाद हमारा देश कैसा होना चाहिए, पुनः निर्माण करना है, नया निर्माण करना है, नए हमारे भारत देश को नया बनाना है। तो यह करने के लिए यहाँ कवि ने सपूतों यानी कि भारत देश के नवयुवानों को कहा गया है कि अब हम हमारे भारत देश का नवनिर्माण करेंगे। इसलिए किस तरह नवनिर्माण करना है, यही बात कवि के माध्यम से यहाँ पर कविता में बताई गई है। तो बच्चों कविता को हम देखते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रांत है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आश है सांस नई। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। युग युग के मर्जे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठा विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नहीं सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों यहाँ पर हमने काव्य का पठन किया। इसके बाद अब हम कविता की समझूती की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपने कविता में एक बात देखी होगी कि बार बार नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, यानी कि अब हमें फिर से हमारे भारत देश में, पहला जो भारत देश था वह हमें जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी यानी कि हम गुलाम थे तब का था, अब हमें गुलामी में से मुक्ति मिल गई है, हम आज़ाद हो गए हैं, हमारी भारत देश की आज़ादी हो गई है, उसके बाद की यह
कविता की रचना की गई है। इसलिए कवि बार बार ऐसा कहते हैं कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, इसलिए हमारे भारत देश का हमें नया निर्माण करना है, हमें हमारे भारत देश में एक नया संचार करना है। तो बच्चों आओ अब हम कविता को समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा, धरा यानी कि धरती, मातृभूमि। मातृभूमि, धरती, उसे क्या कहा जाता है? धरा। अमर सपूतो, अमर यानी कि न मरने वाला। सपूत, सपूत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला जो पुत्र है उसे क्या कहा जाता है? सपूत। कुल का नाम रोशन करने वाला जो पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? सपूत। पुनः नया निर्माण करो, पुनः यानी कि फिर। पुनः यानी कि फिर, निर्माण यानी कि रचना। पुनः नया निर्माण करो, निर्माण करना यानी कि रचना करना, यानी कि नई वस्तु को बनाना, उसे क्या कहा जाता है? रचना कहा जाता है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतो, अमर पुत्रो, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन, जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नव यानी कि नया,
नव यानी कि नया, नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, स्फूर्ति स्फूर्ति यानी कि उत्साह। स्फूर्ति यानी कि उत्साह, नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, प्राण यानी कि जीवन। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। यहाँ हमें कवि ने बताया है कि हे भारत माता के अमर अमर पुत्रों अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, नया आनंद भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, इनमें नया आनंद भरना है, नया उत्साह भरना है, नए प्राणों का संचार करना है। अमर सपूतों हैं धरती माता के, हैं धरती माता के पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हो गया है, इसलिए आप नव निर्माण कार्य में लग जाओ। नव निर्माण कार्य में आप कर कार्य करने के लिए आप सभी लोग इकट्ठे होकर नव निर्माण कार्य में लग जाओ। आलस्य छोड़ दो, अज्ञानता छोड़ दो, सब छोड़कर हमारे भारत देश में अब नया निर्माण करना है। हमारे भारत देश में अब नया उत्साह भरना है। हमें हमारे भारत देश का हमारे देशवासियों के जीवन में हमें नई स्फूर्ति भरनी है, नया प्राण भरना है, नया आनंद भरना है, नया उत्साह भरना है। इस सबों यह सब चीज़ों का हमें संचार करना है। हे धरती माता के पुत्रों, आप सब उठ जाओ, सुबह हो गई, सवेरा हुआ है, अब हम आज़ाद हो गए हैं, इसलिए आलस्य छोड़कर अज्ञानता को छोड़कर हम नींद से जागे और हमारे देश के कार्य में लग जाए, हमारे देश के नव निर्माण कार्य में हम लग जाए और हमारा देश किस तरह से नामना प्राप्त करे, ऐसे प्रयत्न में हम सब लग जाए। उठो धरा के अमर सपूतों हैं भारत देश के पुत्रों, आप उठो और इस भारत देश के नए निर्माण के कार्य में आप सब लग जाओ। नई प्रात है नई बात है, नई प्रात है नई बात है, प्रात एटले सुबह। प्रात यानी कि सुबह, नई प्रांत है नई बात है, नई किरण है ज्योति नहीं, नई प्रांत है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। कवि हमारे भारत देश के नव निर्माण कार्य के लिए कहना चाहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नई बात है,
यानी कि आज़ादी की नई सुबह में सभी जगह पर नई नई चर्चाएं हो रही हैं, नई किरण है, ज्योति नई, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। आज़ादी की नई सुबह के साथ नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों के किरणें सभी और फैल रही हैं, नई किरण है, ज्योति नई, सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। आज़ादी के नई सुबह में नई नई अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हो रही है, नए विचारों के किरणें सब जगह पर पूरे भारत देश में फैल रही है। सब यानी कि सब भारतवासी जो हैं वह अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। तो बच्चों, कविता को हमने यहाँ तक देखा, अगली पंक्तियों का अभ्यास अब हम कल करेंगे।